हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन से द फंक्शन वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स एंड सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। हमें यहाँ पर दो इंटरवल फाइंड करने हैं जब ये हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ये इंक्रीजिंग हो और जब ये डिक्रीजिंग हो तब हमें इसका इंटरवल फाइंड करना है। सो इसके लिए सबसे पहले हम की कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा की कंसेप्ट होगा कि जब हमें कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो तब ये फंक्शन को फाइंड करना हो कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तब हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, और जब ये एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो तब ये हमारे पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो तब ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग मोड x। पहले हम क्या कर लेते हैं, इस जो फंक्शन है इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग x, जब हमारे पास x क्या हो, जीरो से बड़ा हो। और यहाँ पर x जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये एक लॉग फंक्शन है और x इज इक्वल टू जीरो पर ये डिफाइन नहीं है। सो यहाँ पर हमारे पास x ग्रेटर देन जीरो होगा तब फंक्शन ये होगा, और ये फंक्शन होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ माइनस एक्स, जब x क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, तब हमारे पास ये y का फंक्शन आ गया। सो अब यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स हम फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 4x माइनस 1 अपॉन एक्स, जब x क्या हो, जीरो से बड़ा हो। और ये भी होगा 4x माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू माइनस 1, सो ये भी होगा 1 अपॉन एक्स, जब x क्या हो, जीरो से छोटा हो। सो जब x जीरो से बड़ा हो या जीरो से छोटा हो तब dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। सो हम इस फंक्शन dy बाई डी एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जब क्या हो, x जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। सो यहाँ से अब हमें फाइंड करना है कि ये dy बाई डी एक्स जो है ये किस इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो है और किस इंटरवल में लेस देन जीरो है। सो हम जो ये फंक्शन dy बाई डी एक्स है इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1, सो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पर हमें जब हमारे पास ये dy बाई डी एक्स चेंज होगा तो उसके लिए हमारे पास तीन पॉइंट आ जाएंगे। एक तो है हमारे पास x बराबर जीरो पर ये चेंज हो सकता है, या फिर तब ये जीरो हो जाए यानी x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, या फिर x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। सो हमारे पास टोटल ये फोर इंटरवल बनेंगे। अब देखते हैं जब हमारे पास x क्या हो, 1/2 से बड़ा हो, तब हम ये जो फंक्शन है ये तो होगा पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सो इस इंटरवल में हमारे पास इस फंक्शन जो फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब चेक करते हैं इस फंक्शन में। सो ये तो हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव, बिकॉज एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा बिकॉज एक्स पॉजिटिव है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, जो कि इस पूरे फंक्शन को नेगेटिव बना देगा। सो इस इंटरवल में ये हमारे पास नेगेटिव होगा। ऐसे ही इस इंटरवल में हमारे पास ये तो फंक्शन होगा पॉजिटिव, एंड ये होगा नेगेटिव, एंड ये भी होगा नेगेटिव। सो ये हमारे पास पॉजिटिव बनाएगा इंटरवल को, और ये हमारे पास यहाँ पर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। सो ये हमें नेगेटिव बनाएगा। सो हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस 1/2 जीरो एंड यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। और ऐसे ही एफ डैश एक्स लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 माइनस 1/2 यूनियन 0 टू 1/2। सो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है ये होगा इंक्रीजिंग, और इस इंटरवल में हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। और हमें ये दो इंटरवल ही फाइंड करना था कि कब तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग है और कब ये हमारे पास इंक्रीजिंग
फंक्शन है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑल द बेस्ट।